बिहार में महागठबंधन की नई सरकार बनी है और मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं गर्दनी बाग इलाके में, जहां पर मंत्रियों के लिए बंगला बनकर तैयार हो गया है। और आपको बता दें कि मंत्रियों का अलॉटमेंट भी शुरू हो गया है। नए मंत्री जो बने हैं उनके लिए बंगला जो है आवंटित कर दिया गया है। गर्दनी बाग की बात की जाए तो यहाँ पर विधि मंत्री जो कार्तिक कुमार हैं उनके नाम से अलॉटमेंट हो गया है, और साथ ही श्रम संसाधन विभाग के मंत्री सुरेंद्र राम हैं उनके नाम से जो है अलॉटमेंट कर दिया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर 20 फ्लैट तैयार कर दिया गया है। मंत्री का जो है बंगला है वो तैयार कर लिया गया है और ये काफी सुविधाओं से लैस है। ये जो बंगला बना है काफी सुविधा है, इसमें आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से जो है इस बंगला को सजाया गया है, सुंदर बनाया गया है। और इस बंगले की बात की जाए तो बंगले में 8 रूम है और जो है ये भव्य तरीके से बनाया गया है, जो है आलिशान बनाया गया है। और अभी जो है 2 मंत्रियों को अलॉटमेंट कर दिया गया है, श्रम संसाधन विभाग के जो मंत्री हैं उनके नाम से अलॉट किया गया है और विधि मंत्री जो है कार्तिक कुमार उनके नाम से अलॉटमेंट किया गया है। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है 20 बंगला बनकर तैयार है और कुछ जो है निर्माणाधीन है। ये पूरे तरीके से यहाँ पे जो मंत्री के गार्ड होंगे उनके रहने के लिए भी अलग व्यवस्था है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से बंगला के लिए जो है सियासत चलती है, जो मंत्री बन जाते हैं और मंत्री बनने के बाद उनके कार्यकाल पूरा होता है तो जल्द से जल्द खाली नहीं करते हैं, इनको लेकर के भी सियासत होती है। तो तमाम चीज़ों को देखते हुए जो है अब मंत्री के लिए बंगला बनकर तैयार हो गया है। बिहार में जो है बंगला की जो सियासत होती थी वो कहीं ना कहीं अब दूर होगी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही बिहार के उप मुख्यमंत्री और भवन निर्माण मंत्री बंगला को निरीक्षण किए थे और जो है ये जल्द से जल्द अलॉटमेंट जो है और मंत्रियों को किया जाएगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर के यहाँ पर जो है निरीक्षण कर लिया गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ दिन के बाद इन तमाम जगहों को जो बंगला बना है उसे उद्घाटन करेंगे, तमाम बंगलों को उद्घाटन करेंगे। उसके बाद जो है और भी जो बंगले बचे हुए हैं वो अन्य मंत्रियों के नाम से अलॉटमेंट किया जाएगा। हालांकि जो नए लिस्ट बना है उसमें 15 कांग्रेस और राजद के मंत्रियों को अलॉटमेंट कर दिया गया है और न्यू बंगलों में 2 मंत्री को अलॉटमेंट किया गया है, विधि मंत्री कार्तिक कुमार और श्रम संसाधन विभाग के मंत्री सुरेंद्र राम को अलॉटमेंट कर दिया गया है। धीरेंद्र कुमार, DTV भारत, पटना।